हेलो एवरीवन, तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग नाश्ते से। नाश्ता तो वैसे हो चुका है बट अभी हमारे यहाँ हो रही है बच्चों की शैतानी, तो देखते हैं दो लोग और आ चुके हैं। तो ये छवि आ चुकी है जिन्हें आप मौजूद रहते हैं इवनिंग टाइम। वैसे भी सच में ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं दोनों सेफ ही मिलके। और आज जो डिश बनेगी ना, आप भी एक बार ट्राई करें, एक बार में बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगी। तो गाइस हम आपको दिखाएंगे कि सिंपल वे में आप तक पहुंचाएंगे हम अपनी डिश को, रेसिपी को। जिसको भी डोसा बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका थोड़ा सा आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो बिल्कुल खुश होते हुए और ये एक्सप्रेशन खूब अच्छी है ना। ये हमारी स्टाइलिश नानी जी। आज नानी जी बना रही है डोसा। नानी जी डोसा बना रही हो? आज सब एक एक बार डोसे का। हाँ, आज सब एक एक बार बनाएंगे, ठीक है। नानी जी को भी सिखाया जाएगा डोसा बनाना, अभी करूंगी। ये नाश्ता हम नहीं छोड़े, बैठिए जनता इधर डरा के पीट के। मैंने आज मैंने ना पलटे से पीटा, पलटे से। ओ सबके हाथ में फोन, मौसा जी को वीडियो भेजी जाएगी सबके हाथ में। और रे बाप रे, बन गई अब तो इनकी वीडियो मौसी जी, अब तो भेज दो। एक एक बच्चे की बना के हर बच्चे के हाथ में लगा लगा। देखो 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 वीडियो, फोन इनके हाथ में, इनके पापा को भेजी जाएगी। और देखो यूवी वैसे भाभी से प्यार करती है, मोबाइल में लगी पड़ी है। भाभी पे ध्यान, क्या हाल होने वाला है। और ये छवि,
और देखो ये हेलो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इनके पापा से इनकी शिकायत करो कि ये फोन चला रहे हैं। मौसी जी हम लोग रेडी कर रहे हैं बैटर सो माय डार्लिंग मामी जी तो हमने इसमें थोड़ा सा राइस और पोहा दिया है। राइस और पोहे को हम एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से और आधा ग्लास के करीब हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड हमें कुछ इस कंसिस्टेंसी में करना है कि जिस कंसिस्टेंसी में हमने डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। यार लाइट नहीं आ रही है? आ रही है, फिर चल के नहीं रहे दबाओ से ये प्रेशर स्टार्ट करो। ठीक है तो गाइस हमारा ये बैटर अभी रेडी हो गया है। अब मैं इसको फर्मेंट करने के लिए जा रही हूँ। फर्मेंट का सबसे अच्छा बेस्ट वे होता है कि हमें उसे हाथ से करना चाहिए, उसे अपने हाथ की गर्मी देनी चाहिए। अपने हाथ की गर्मी देने से उसका फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हाथ की गर्मी देनी चाहिए है मामी से। तो ये मामी गोलगप्पा करते हुए गोलगप्पा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सिंपल वे में सिंपल भाषा में जो लोग फर्मेंटेशन समझिए इसको। फर्मेंटेशन के लिए हाथ की गर्मी इसलिए देनी जरूरी है और इसको एक ही रोटेशन में हमें कम से कम 5 मिनट तक इसी तरीके से करना है ताकि इसमें कोई बबल ना रहे। हाँ ये हमारा बैटर दाल का और राइस का ऐसे मिक्स हो जाए और एकदम से फ्लफी हो जाए। और इसको हम रेस्ट के लिए हम इसको ठंडा, क्योंकि ये इस टाइम पे समर है और डोसे के लिए हमेशा हमें ठंडा वेदर भी चाहिए होता है, कूल प्लेस चाहिए होती है, तो हम इसको फ्रिज के मेरी मदद कर रहे हैं काम करने में। यूवी के भाभी से इतना प्यार और ये बदतमीज बच्चे पूरा फर्श गंदा कर रहे हैं। ये अपने ये जंगली बना दिखा रहे हैं। ए चलो गंदा करो मत, चलो तीनों चलो तीनों। एक बंदर ये रहेगा, एक बंदर ये कैसे सेट करते हैं सोफे को, कैसे सेट करते हैं? यू भी वहां नहीं करते हैं बेटा, यहाँ जमीन पे करते हैं बस। काम बढ़ा बढ़ा के डाल रहे हैं ये बच्चे। ओ भाई ये कपड़ों की तह बनाई जा रही है। तो ये तय बनाई गई कपड़ों की भाभी के देवर और ननद। भाई वाह क्या देवर है मेरे युग। ये यहाँ नहीं रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा। तो ये मेरे देवर हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। भाई वाह ऐसे देवर सबको मिलने चाहिए। ये मौसी जी का दुपट्टा नीचे जाएगा। कोई बात नहीं, फिर मैं इनकी तय बना दो इनकी भी। हाँ कोई बात नहीं युग, तुम इनकी तय बना दो। ये मैं ओढ़ूंगी। अच्छा चादर की तय बनाओ दोनों मिलके, क्योंकि अकेले नहीं कर पाएंगे किट्टू। दो लोग मिलके बना पाएंगे चादर की तय। ठीक है मैं तो यहाँ युग का काम देखें कि क्या तोड़ दिया भाई, क्या फोड़ दिया। यू भी क्या तोड़ा? ये नीचे रखा। अच्छा ढक्कन गिर गया तो यू भी कर रहे हैं सफाई। क्या सफाई कर रहे हैं, वाह भाई वाह यू भी। तो मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। ओ वाह भाई वाह ये किसने अच्छे से लगाया है, वाह भाई वाह। मान गए जी, मान गए वासु को, वासु ने कितना अच्छे से कराया है ये सही। अच्छा तय बना रहे हैं ये। हाँ तय कैसे बना रहे हैं ये दोनों, कैसे बना रहे हैं ऐसे तय बनाने हैं। तो यहाँ चल रही है भाभी की सेवा में लीन है सारे बच्चे। तो युग को समझ रही, युग कैसे बनानी है बेटा तय? मुझे नहीं पता। तय बनाओ वाह भाई वाह तय बन गए।
अभी क्या बचा है? सूखा नहीं है, रहने दो बस, इतना ही साफ सही है। यू भी बस बहुत है बेटा। अरे वाह भाई, थैंक यू बच्चों, वाह भाई वाह, तुम तो सुपर हो गए बच्चे। तो बच्चों ने करी सफाई, अब बच्चों अब पता चला सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है, पता चला। एक शर्त पे मिलेगी सैलरी, सैलरी एक शर्त पे मिलेगी, शाम तक ये कमरा और बरांडा सब साफ सुथरा रहना चाहिए। शाम तक ये कमरा साफ सुथरा चिकना रहना चाहिए, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ये गंदा रहा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। जो गंदगी फैलाएगा उसको उसके पैसे, उसके 10 रुपए कैंसिल, 10 रुपए कैंसिल। ऊपर देखने की क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, अब तो बच्चों की खैर नहीं। ये बकेट क्या हो रहा है ये? पंखा चला दो सुखाने के लिए। अरे तो पोछा गलत समझ में आया, कैसे पोछा लगाना है? लो वो तो पोछे लगे हुए गंदगी फैला रहे हैं, देखो वो उन्हें देखो। अपने बेटा झाड़ू, पंखा चल गया इधर। भाभी का कमाने जाती है, पॉकेट मनी देगी, पॉकेट मनी मांगो उनसे, भैया से, जैसी भैया से। युग क्या कर रहे हैं? युग का दिखाओ, युग ने कुछ करा नहीं करा? युग ने कुछ नहीं करा, युग ने कुछ किया? युग को तब पैसे मिलेंगे, युग करेंगे कुछ नहीं किया। युग की पॉकेट मनी कैंसिल है युग। बस बस अब ये डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन में। ये बस भाभी के लिए प्यार है, वो भी मनी मनी वाला प्यार है। मौसी जी, लाल जी प्यार है इनका। अगर मुझे एक कोने में भी गंदगी दिखाई दे गई उसी के पैसे कट जाएंगे, फिर उसे 8 रुपए 5 रुपए ऐसे हो जाएंगे। अरे पोछे को ना निचोड़ भी लेते हैं बेटा, पोछा मारने से पहले निचोड़ते हैं पोछे को। अगर तुम निचोड़ोगे नहीं ना तो गंदा लगेगा पोछे, गंदा। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम तो चट्टान पे चढ़ के बैठ गए हो। नीचे उतर जा। तो युग तुम्हारे पैसे तो मिलेंगे नहीं तुम्हें। बिली तुम्हें नहीं चाहिए ना पैसे? मैं भी चाहिए। तो तुमने काम हो गया गंदे, देख ले गंदे पचन देर पचन बत्ती।
पर रोक रह जाएंगे। मुझे चाहिए पैसे। तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर काम करो ना। तो काम करो ना, सब अपना अपना काम। तुम फिश टैंक को साफ कर दो, ऊपर से फिश टैंक साफ कर दो। जंगले साफ करो, जंगले साफ करो, जंगले जंगले साफ करो। बस यही गंदी पड़ी है, कुछ तो गंदा पड़ा ही नहीं है ना, बस यही वाला ये पड़े। उधर वो देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है और ज्यादा गंदा कर दिया है। मेरा मौसी जी लग रहा है ना गंदा सा और ज्यादा। जोर से बोल क्या कह रहा है, भी मुझे सुनाई नहीं आई। मैं इससे पैर दबाऊं ना भाभी से आ सकता हूँ। प्यार करता है तू भाभी से, तो पैर दबा कर सेवा कर रहा है। आ? आज यू भी नानी के घर से। अब पुच्ची तो फर्द अपनी भाभी की करने लगा है। प्यार तो करके दिखा दे। यू भी पुच्ची तो फर्द अपनी भाभी की। सुबह कहेगा क्या कह रहा, क्या कर रहा है रोज तो? यू भी ये सुबह चिल्लाएंगे नहीं तुम्हें, ये सुबह डांटेंगे नहीं हम। यू कहते मैं तो छोटे बच्चों वाला प्यार कर रहा हूँ भाभी आपको। क्या कहोगे डांटेंगे तो क्या करोगे? मारना नहीं है, प्यार करते हैं अपने आप को। वासु से पूछा जाए, वासु वासु बता दे क्या भाभी से प्यार करता है क्या? नहीं मैं कैसे बोलेगा ये? हाँ करते हो? मैं कैसे तो बोलता है? दोनों सेवा करो आज अच्छा। क्या हो रहा है? अरे मम्मी पापा को भी दबाओ तुम। मम्मी पापा के दबाए, भाभी के प्यार में ही दबा रहे हो। चलो अब बुआ जी के पैर दबाना, तुम मुझसे प्यार करते। ना 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 मेरे मत दबाओ, रहने दो। तुम दो मिनट का प्यार है तुम्हारा, फिर भाग जाओगे। पैर यहाँ रखो भैया। नहीं बुआ जी के दबा, मेरे पैर सही है अब, ठीक महसूस हो रहा है। आप पैर दबा के ऐसे जादू किया मेरे पैरों में कि मेरे पैर तो भाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके। एनर्जी आ गई है। यू भी बस रहने, यू भी रहने, बस हो गए। अरे हो गए, मैं सुपर हीरो है। यू भी कितना आएगा? तो गाइस यहाँ रेडी है ये बैटर जो हमने सुबह बनाया था, और ये बन रहे हैं डोसे। वाओ। एंड यहाँ हमने ये इसका क्या बनाया मामी जी? ये स्टफिंग बनाई थी हमने, स्टफिंग है ये। और ये है नारियल की चटनी, और हम अभी आपको दिखाते हैं ये जो भी बनाया है इसमें। व्हाटएवर इज दैट, प्लेट तो दे दे। व्हाटएवर इज दैट भैया, कुकर में घुस गया ये सांभर। सांभर है ये, देखो गाइस दिख भी नहीं रहा होगा तुम्हें, सही ना दिखाई दे रहा तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मामी जी जरा करना इसे, हो गया। तो ये है सांभर, ये बन गया सांभर। कितनी देर में बताया था? और ये बन गया डोसा। चलो खाओ, हैंड वॉश करो बच्चों। चलो बच्चा, चलो हैंड वॉश करो, ये सड़े हुए हाथों से खाना है। हाँ तुम डिजर्व भी कर। तो गाइस यहाँ चल रही है डोसा की पार्टी, चखनी देखिए। एक और डोसा, अरे एक और डोसा, हमारे लिए होती है खत्म, इसने खा लिया। और ये पार्टी हो रही है, ये चटनी है वाइट वाली, ये वाली चटनी है, और डोसा डोसा भी आ रहा है। पार्टी हो रहा है, एक और डोसा का डोसा बिना।
चपाती हो रही है, चपाती हो रही है भाई साहब। ये ना डोसा आ गया, ये देखिए डोसा हम खाते हैं, देखिए ये ना डोसा, आलू वाला डोसा, आलू वाला डोसा, मुझे आलू वाला। तो बताइए कैसा बना है मामा जी आप? युग डैडी को खाने नहीं दे रहे हो ना तुम? युग की दोनों आंखें बाहर एकदम से। कैसा है युग? अच्छा है। युग को तो सब चीज अच्छी लगे। आज युग दिन में तीन बार रोए, तीन बार क्या? तीन बार रोए आज युग। युग को सताया गया है बच्चों द्वारा।